हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये मोटर के अनबैलेंस करंट के ऊपर बना रहे हैं। तो ये मेरे पास मोटर है, ये दोस्तों किर्लोस्कर का मोटर है एंड इसका रेटिंग है 2.2 किलोवाट 3 HP। तो 3 HP का मोटर है ये। तो इसके कनेक्शन है, जो कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये है कनेक्शन। कनेक्शन स्टार में किए हुए हैं। तो इसके ये देखिए, 1, 2 और 3 तीन तार निकले हुए हैं। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका जो करंट है अनबैलेंस आ रहा है। अनबैलेंस करंट कैसे चेक करते हैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अनबैलेंस करंट में क्या है दोस्तों, जो मोटर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस जो है अनबैलेंस हो जाती है, उसके कारण जो करंट है, करंट जो लोड होता है मोटर का, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो अभी कनेक्शन स्टार में है, अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर चेक करनी हो तो यहाँ पे अगर 6 वायर निकली होती डेल्टा में, तो उससे हम अलग अलग करके एक एक वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है प्रॉपरली चेक कर सकते। अभी जो हम रेजिस्टेंस लेंगे भी वो 2 वाइंडिंग का आएगा, R2Y या Y2B या B2R आएगा, सिंगल सिंगल वाइंडिंग का नहीं आएगा। तो उसमें डिफरेंस तो आएगा इसका जो रेजिस्टेंस का, पर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा कम इसका अनबैलेंस है, मैंने चेक किया। तो अभी इसके कनेक्शन करता हूँ मैं MCB पे यहाँ पे, फिर इसका लोड लगा के देखेंगे चला के कितना अनबैलेंस है। अनबैलेंस करंट को कैसे चेक करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी कनेक्शन है जो कर लिए हैं मोटर के, ये जो 3 वायर है, ये 3 वायर RYB यहाँ पे लगा लिए मैंने, यहाँ पे RYB लग गए दोस्तों। तो अभी करंट कैसे चेक करते हैं, जो करंट चेक करने का तरीका होता है, ये हमारा क्लैमीटर है, क्लैमीटर को मैं इसका जो करंट है तो इसको मैं 20 पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है 20 एम्पीयर पे सेट हो गया। तो करंट जो चेक करते हैं सिंगल जो वायर है उसके अंदर चेक करते हैं। अभी देखिए, अभी मोटर हमारी बंद है, अभी कोई करंट शो नहीं कर रही। तो अभी दोस्तों मैं मोटर को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद ये जो है करंट इसमें शो करेगी, तो उसमें मैं दिखाता हूँ अनबैलेंस करंट है वो किस तरह से चलता है। तो अभी मोटर की पावर ऑन कर रहा हूँ, तो मैंने दोस्तों पावर ऑन कर दिया है। आप देखिए जो आर वाली वाइंडिंग है इसका करंट 2.7 आ रहा है। अभी इसको निकाल के वाई में लगाते हैं, वाई का करंट देखिए 1.7 आ रहा है, ये देखिए 1.7। बी का देखिए, बी का करंट दोस्तों देखिए 3.3 आ रहा है। इस तरह से दोस्तों ये बता रहा है मोटर का जो करंट है अनबैलेंस। तो इनमें से एक वाइंडिंग है जो उसका करंट अनबैलेंस है, और ये सीरीज में है, स्टार में चल रही है, तो इसके कारण 2 वाइंडिंग का जो करंट है ये अनबैलेंस बता रही है। तो ये देखिए दोस्तों, करंट जब भी चेक करना है आपने एक वायर के अंदर चेक करना है इस तरह से। तो अभी बंद कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों जो अनबैलेंस करंट है मोटर का वो चेक कर सकते हैं। एंड अभी जो ये इसकी कंडीशन है मोटर की, इसको हम ज़्यादा देर चला नहीं सकते क्योंकि ये अनबैलेंस करंट चलेगा। अभी ये विदाउट लोड चल रही है, ये पंप की मोटर है, ये किर्लोस्कर का पंप है, इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं, इसके सक्शन डिस्चार्ज पे कोई लोड नहीं है, पानी नहीं लिया इसके ऊपर। तो जब इसको लोड पे लेंगे तो जितना करंट है करंट और बढ़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लोड डल जाएगा, तो इस वजह से इसके बर्न होने के चांसेस बहुत हैं। तो अभी दोस्तों फाइनली क्या है, इसको रीवाइंडिंग के लिए भेजा जाएगा, रीवाइंडिंग करा के इसको दोबारा फिर जो है हम अपना जो प्रोसेस है प्रोसेस में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अनबैलेंस है मोटर का करंट उसे चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।